नमस्कार। हम अपने पिछले वीडियो में देख रहे थे पिक के बारे में। पिक के बारे में हमने समझने की कोशिश करी थी कि पिक होता क्या है, पिक के अंदर कौन कौन से मोड होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो हमने देखा था लास्ट टाइम हमारा डायरेक्ट इमीडिएट मोड, इनडायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए तरीके के प्रोसेसर की जो इस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चलन में है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है और मोर और लेस इसके बिना चीज़ें होती नहीं है और आजकल ये आपको हर जगह उपलब्ध मिलेगा। उसका नाम है आर्म। तो आर्म को समझने से पहले हमें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। उस स्टोरी से आप अंदाज़ लगाएंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे आया, इससे रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हैं और ये मार्केट में किस तरीके से फेमस हुआ और क्यों चल रहा है। तो दोस्तों जब बहुत पहले, जैसे हमने अपने वीडियो में भी देखा था क्लासिफिकेशन सिस्क वर्सेस रिस्क का, तो पहले जो कंप्यूटर चलते थे वो सारे ही कंप्यूटर सिस्क कंप्यूटर होते थे। सिस्क कंप्यूटर में क्या होता था कि बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते थे, जैसे कि ऐड मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, डेटा ट्रांसफ़र का मूव से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन होते थे, जंप, ब्रांच करना, कंडीशन वाले, कंडीशन स्टेटमेंट, इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर में ये सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या हुआ कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन को, उनने ये कौन सी कंपनी में थे, ये IBM के वैज्ञानिक, IBM में काम करते थे और इनका ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जॉन को। इनने एक समय ये बोला कि जो होता क्या है कि हम जनरली 80% ऑफ वर्क के लिए ओनली 20% इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इनने क्या बोला कि आपको मतलब 80% जो काम होता है वो बेसिकली हमारा 20% इंस्ट्रक्शन से ही हो जाता है, इससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन की हमको जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम यूज भी नहीं करते। तो उस समय के दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था डेविड पेटरसन और दूसरे का नाम था जॉन हेनेसी। तो इन दोनों ने क्या किया, उस समय रिसर्च कर रहे थे, तो उस समय पे इनने रिसर्च करी और सिस्क से इनने बोला कि यदि ऐसा है कि सिर्फ 20% इंस्ट्रक्शन ही हमारे 80% काम करते हैं तो हम उन्हीं 20% इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके एक कंप्यूटर बना देते हैं। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो उस केस में मेरा जो कंप्यूटर है वो CISC नहीं रह जाएगा। उस केस में मैंने CISC का फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो अब इस केस में मेरा जो कंप्यूटर होगा वो क्या हो जाएगा, RISC रिस्क कंप्यूटर बनेगा, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीट ना यूज़ करते हुए मैंने उसको रिड्यूस कर दिया कितना परसेंट पर, 20% पर। तो अब इन 20% इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके मैंने कंप्यूटर बनाया। तो इनने अपने जो पहला जो कंप्यूटर मार्केट में आया वो था RISC-V आर्किटेक्चर, RISC-V कंप्यूटर। RISC-V ने मार्केट में बहुत सारा पब्लिक गेन किया, पब्लिक का बड़ा अच्छा इस पर रिस्पॉन्स रहा। और इसी के साथ साथ जो हेनेसी थे, हेनेसी जी ने क्या किया, इनने एक नया प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा MIPS। MIPS का फुल फॉर्म होता माइक्रो प्रोसेसर और विदाउट इंटरलॉक पाइपलाइन स्टेज। बेसिकली इसमें क्या किया इनने कि जो माइक्रो प्रोसेसर या CPU और मेमोरी इस तरह से कनेक्ट रहते थे आपस में, तो क्या होता था कि एक इंस्ट्रक्शन आया तो जब तक एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा। दूसरा कब आएगा, जब ये डन हो जाएगा, तो इस केस में क्या होता है कि वेटिंग टाइम होता था। तो ये लोग जो रिसर्च साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया कि वेटिंग कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें पाइपलाइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। पाइपलाइन के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक सारांश के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ी हेल्प भी मिलेगी। तो इनने क्या किया कि इनने बोला कि एक काम करते हैं, सिर्फ एक वायर लगाने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीपल स्टेजेस बना देते हैं, अलग अलग स्तर बना देते हैं। तो जो एग्जीक्यूट होगा वो ऊपर वाली लाइन में आएगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो भी फैच हो जाएगा, जब तक ये इसको हैंडल कर रहा है ये फैच हो जाएगा, और जैसे ये खाली हो जाएगा ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और तीसरा वाला जो है जब ये सब चलेगा तो इस तरीके से
यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री। तो इस तरीके से इसमें आप देखेंगे तीन स्टेजेस बन के आई। तो दोस्तों इसमें क्या होता था कि जो वेटिंग टाइम को कम करने के लिए या लेटेंसी को या डिले को कम करने के लिए या टाइम रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने के लिए इन्हें पाइपलाइन को इंट्रोड्यूस किया। अभी यहाँ से यहाँ तक आने का मार्ग तो एक ही है, लेकिन बीच में क्या होता है कि आप अलग अलग बसेस में रहते हैं, तो जैसे ही ये ख़त्म होता है, जब नंबर एक क्या है रनिंग वाली स्टेज में जाएगा, नंबर टू और नंबर थ्री जो रहेंगे वो वेटिंग में रहेंगे। लेकिन अच्छा, लेकिन ये मेमोरी में नहीं है, अभी ऑलरेडी सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो इन्हें क्या बोला कि लेकिन ये पाइपलाइन आपस में इंटरलॉक्ड हैं, तो यदि हम इन पाइपलाइन को आपस में इंटरलॉक ना करके बिना इंटरलॉक तरीके से लेके जाएंगे तो ये एक अच्छा आर्किटेक्चर होगा। सिस्क प्रोसेसर भी उससे उतना ही और उससे ज़्यादा ही अच्छे से काम कर सकता है। तो ये इनने अपना मिप्स इंट्रोड्यूस किया, इनने अपना रिस्क इंट्रोड्यूस किया। रिस्क और मिप्स दोनों ऐसा नहीं है, दोनों साथ साथ है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा होगा और वो मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बट ये दोनों चीज़ें उस समय आई। सिस्क में ही इम्प्रूवमेंट करा और सिस्क को रिड्यूस कर दिया 20% में। क्यों किया? क्योंकि एक ने इसलिए किया कि ज़रूरत के हिसाब से, दूसरे ने क्या किया कि यदि पूरा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट लेना है तो भी वो चीज़ काम करनी चाहिए, उस हिसाब से किया। तो दोनों ने अपने अपने आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किए, दोनों अपने समय के बहुत ही फेमस वैज्ञानिक रहे और दोनों का बड़ा सम्मान से नाम लिया जाता। आज की डेट में किताब है कंप्यूटर आर्किटेक्चर बाय पेटरसन एंड हेनेसी, बड़ी अच्छी किताब है, आप यदि चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बढ़ती गईं। फिर क्या हुआ, एक यूके में यूके को लगा कि इसके इस चीज़ का, अब क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर्स हो रहे हैं, कंप्यूटर पर लोगों की रिलायबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही, तो एजुकेशन के लिए शिक्षा के लिए कंप्यूटर्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें बोला कि उन्हें यूके गवर्नमेंट ने इस तरह से मतलब उनके जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, रिसर्च मिनिस्ट्री, उन्हें बोला कि इस तरह से यदि कोई हमको प्रपोजल देता है जो कि कंप्यूटर बनाए और कंप्यूटर कॉलेजेस और स्कूल लेवल में वो कंप्यूटर काम आए तो बड़ा अच्छी बात होगी। तो इस तरह के जब शोध के लिए आमंत्रण किया गया तो वहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सी विल्सन। इनने ये उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक मतलब रिसर्चर की तरह काम कर रही थी। उस समय इन्हें एक प्रोसेसर या इन्हें इंट्रोड्यूस किया कि हम एक काम करेंगे, हम कॉम्पैक्ट कंप्यूटर बनाएंगे, लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाएंगे जो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से काम करेगा और दूसरी चीज़ों से भी काम करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इम्फेसाइज जो था बेसिकली एजुकेशन पे था। तो इस तरीके से चीज़ें निकली, उनका जो आइडिया था वो अच्छा था और उन्हें उसको इम्प्लीमेंट भी किया, बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रशंसा हुई और इन्हें आगे चल के एक कंपनी खोली जिस कंपनी का नाम था, किसी को याद है तो बताइए, एक्रॉन। और इसने जो पहला मोस्ट पॉपुलर जो कंपनी बनाया वो बनाया बीबीसी माइक्रो। ये चीज़ उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई और आगे चल के मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी बनी। ये कंपनी आगे चल के जो बनी उसका नाम है आर्म होल्डिंग्स। की विशेष खास बात क्या थी, आर्म होल्डिंग्स कभी भी चिप नहीं बनाती थी। आर्म होल्डिंग्स क्या बोलती है, हम आपको VHDL में या वेरीलॉग में कोड दे देंगे, हम आपको IP कोड दे देंगे, मतलब सॉफ्टवेयर दे देंगे जिसमें पूरा डिज़ाइन है ऑलरेडी पेन ड्राइव में, आप जाओ आप यूज़ करो, आपको एक्सटेंड करो जो भी करना है करो, लेकिन बेस आर्किटेक्चर हमारा रहेगा। आपका सबसे फेमस जो आर्किटेक्चर रहा था उस समय वो था ARM 7 TDMI, बड़ा फेमस आर्किटेक्चर रहा, सेट टॉप बॉक्स, एक नया मार्केट, एक नया आयाम, फैनलेस कंप्यूटर्स का पूरा मार्केट इनने यूज़ किया। जैसे आपके सेट टॉप बॉक्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, इन सब में आप देखेंगे आपको जनरली आर्म के ही प्रोसेसर्स मिलेंगे। जो कंपनी यूज़ करती हैं वो कंपनी बेसिकली बोलती हैं कि हम हमारा जैसे स्नैपड्रैगन है, लेकिन वो बताती है कि ARM A9 आर्किटेक्चर है, A10 आर्किटेक्चर है, A11 आर्किटेक्चर है, कुछ भी बताते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर का मतलब है कि वो आर्म का किस लेवल का, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी। आर्किटेक्चर का हम पूरा मतलब एक अपने वीडियो में देख चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
कंपोनेंट्स इनसाइड द चिप। तो दोस्तों ये कंपनी आगे चल के बहुत बड़ी हुई, सोफी विल्सन ने भी बहुत ग्रो किया, ब्रॉडकॉम में इनके शेयर हैं, आर्म होल्डिंग्स इनकी कंपनी थी, अब आर्म होल्डिंग्स किसने एक्वायर कर लिए, सॉफ्ट बैंक में, ये सब चलता रहता है इकोनॉमिक, ठीक है। लेकिन आर्म की कुछ विशेष खास बात थी जिनको हमें गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आर्म का आर्किटेक्चर देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आर्म की विशेष बातें क्या थी। तो हम देखेंगे अब आर्म के फीचर्स क्या क्या थे या हैं। तो इसके इंस्ट्रक्शंस बड़े सिंपल होते हैं, मतलब कि 16 बिट के और 16 बिट के दोनों तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। दूसरी, इनके इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होती है मोर और लेस सेम लेंथ के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में सारे इंस्ट्रक्शन एक सिंगल मशीन साइकिल में एग्जीक्यूट होते हैं, पाइपलाइन को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इनका जो फॉर्मेट है वे वेरी फ्यू एड्रेसिंग फॉर्मेट्स, एड्रेस फॉर्मेट्स हमने देखे थे अपने पिछले वीडियो में, आपको याद है क्या क्या था, इमीडिएट था, और क्या था बताइए, डायरेक्ट था, और क्या था, इनडायरेक्ट था। तो दोस्तों हम अपने कुछ आने वाले वीडियो में आर्म पे 2-3 वीडियो बनाएंगे, पूरा एम्फेसाइज करेंगे आर्म के आर्किटेक्चर को समझना बहुत ही जरूरी है, एम्बेडेड सिस्टम में इसका बड़ा महत्व है। तो इस तरह से एड्रेसिंग मोड्स आए अलग अलग तरीके के, उसके बाद क्या आया, लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स। क्या होता है कि जितना कंप्यूटर के अंदर कोई चीज है प्रोग्राम, और एक कंप्यूटर के बाहर प्रोग्राम या मेमोरी है, और एक कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी है, तो आप बताइए दोस्तों कहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। ऑब्वियसली यदि मैं इसको एक नंबर दे दूं और इसको 2 नंबर दे दूं, कंप्यूटर जल्द फास्ट एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा, यदि जो चीज़ इन चिप है वहाँ से चीज़ें फास्ट चलेंगी। तो यहाँ जो जो एग्जीक्यूशन होगा, जो डिले होगा, वो डिले लेट होगा, एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, टाइमिंग रिलेटेड इशूज़ कम होंगे, तो ये सब चीज़ें। अभी अपन ऐसे मोटे तौर पर बोलते हैं तो हमें पता नहीं पड़ता, लेकिन नैनो सेकेंड्स में जब डिले आते हैं तो ये चीज़ बड़ा इम्पेक्ट करती है। तो फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए, शॉर्ट टाइमिंग्स के लिए इन चिप मेमोरी कंपोनेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो मेमोरी तो बहुत मेमोरी ऐसे नहीं लगा सकते, तो क्या करते हैं हम रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। रजिस्टर्स क्या काम करते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली डेटा होल्डिंग डिवाइसेस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी कंपोनेंट्स यदि मैं इसको बोलूं तो इसको मैं, ये कोई गलत शब्द नहीं होगा, मेमोरी कंपोनेंट्स, ठीक है। तो रजिस्टर्स यूज़ करते हैं लार्ज नंबर। लोड स्टोर आर्किटेक्चर, ये चीज़ समझने वाली बात है, लोड स्टोर आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है। लोड स्टोर दोस्तों आर्किटेक्चर होता है, लोड स्टोर का मतलब हुआ कि ये कोई, ये है मेरा CPU और ये है मेरी मेमोरी, अभी मैं GPIO और बाकी चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, आप कर सकते हैं चाहे तो। लोड स्टोर का मतलब होता है कि यहाँ से, कहाँ से, मेमोरी से कोई चीज़ CPU में चली जाए या लोड हो जाए, और स्टोर का मतलब होता है, तो लोड में क्या होगा, मेमोरी से चीज़ गई कंप्यूटर में, यहाँ प्रोसेस हुई, ठीक है, उसका आउटपुट आया, और वो आउटपुट हम क्या करेंगे, दोबारा से मेमोरी में सेव कर देंगे। तो यहाँ से आउटपुट को मेमोरी में दोबारा स्टोर करना, ये हो गया लोड स्टोर आर्किटेक्चर। आप अपने पास कुछ चीज सेव नहीं रखते, आप बाहर से चीज़ों को अंदर लेके आते हैं, लोड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और उसको वापस वहाँ पे ही उसी मेमोरी में, जैसा कि प्रोग्राम में बताया गया है, वहाँ पे आप उसको स्टोर कर देते हैं। तो उसको कहते हैं लोड स्टोर आर्किटेक्चर। तो ये लोड स्टोर आर्किटेक्चर है, लोड स्टोर आर्किटेक्चर बड़ा ही सिंपलिस्टिक आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। साथ ही साथ में 32 बिट प्रोसेसर, मतलब 32 बिट के डेटा को हैंडल कर सकता है, इसकी वर्ड लेंथ होती है। कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि 16 बिट के होते हैं, उनको हम थंब इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। थंब इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि बड़े ही कोड साइड डेंसिटी को कम करने के लिए, मतलब किसी लंबा कोड लिखना पड़े उसी जगह हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ऐसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो कम बिट साइज़ के होते हैं और काम पूरा हमारा वही सारा कर देते हैं। तो 16 बिट के इंस्ट्रक्शंस को भी हैंडल करता है, 16 बिट के इंस्ट्रक्शन को थंब इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। दोस्तों इसको थंब इंस्ट्रक्शन क्यों बोला जाता है, ये फिलोसफी आप ऐसे कह सकती है, कोई चीज़ है जो 32 बिट की है जो डेटा, अब मैं क्या करूँगा इसको, मैंने माना कि मैं थंब से इसको स्क्वीज कर रहा हूँ, तो ये स्क्वीज होकर कितना रहेगा, आधा रहेगा, 16 बिट का रहेगा, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं थंब इंस्ट्रक्शन।
साथ ही साथ में इसमें ऑन चिप आईसी होता है, ऑन आईसी का फुल फॉर्म होता है इन चिप इम्यूलेटर, और इसको बोला जाता है ऑन, ये बेसिकली डीबग करने के लिए बड़ा काम की चीज़ है, आपको अलग से डीबगर खरीदने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी इन चिप इम्यूलेटर या डीबगर है जो आपको सिस्टम बता देगा कि आपका आपका जो कोड है या प्रोग्राम है वो अंदर कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें हमको पता पड़ जाती हैं। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें एक और चीज़ है जो है डेटा प्रोसेसिंग के लिए सिंगल साइकिल, एक ही सिंगल साइकिल में सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाते हैं प्रोसेसिंग वाले, ये खास बात है, और डेटा ट्रांसफर के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें मल्टीपल साइकिल्स लगती हैं, मोस्टली मेजर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर बिकॉज लोड स्टोर आर्किटेक्चर है, तो बेसिकली एक मशीन साइकिल में ये सारा काम खत्म कर देता है। डेटा ट्रांसफर के केस में, कंडीशनल केस में ऑब्वियसली एक से अधिक मशीन साइकिल लगती है, बेसिकली साइकिल का मतलब है कि एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब एक निर्धारित समय है, कोई चीज़ 2 नैनो सेकंड में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देती है तो ये मोस्टली 2 नैनो सेकंड में कर लेती है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं इनमें ज़्यादा लगती, तो 2 का 4 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है 4 का 8, 10, 12 भी हो जाएगा, ये हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का एक निर्धारित समय होता है, उसी समय में इंस्ट्रक्शन को सारा काम ख़त्म करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था अभी तक हमारा आर्म प्रोसेसर का एक जनरल इंट्रोडक्शन, आपको आर्म प्रोसेसर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।